प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के महासचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। खुलासों के बाद शक गहरा होता जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है या उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। फिलहाल मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज स्थित बांग बरी मठ की बंद कोठरी से मिला। उनकी कोठरी से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने जॉर्ज टाउन थाने में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। तीन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ताजा जानकारी ये भी है कि महंत नरेंद्र गिरी को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। वहीं पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस बात की भी शंका जताई जा रही है कि अगर जहर खाने से महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई तो उनके गले में रस्सी का फंदा कैसे मिला। दरअसल एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि नरेंद्र गिरी ने जिस कोठरी में आत्महत्या की उसका दरवाजा अंदर से बंद था। उनके अनुयायियों की सूचना पर दरवाजा तोड़कर नरेंद्र गिरी के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। उन्होंने कहा कि सल्फास खाने से मौत की जो बात सामने आ रही है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस के अनुसार नरेंद्र गिरी की कोठरी अंदर से बंद थी। दरवाजा तोड़ा गया तो उनके शव को जमीन पर पड़ा पाया गया और उनके गले में नायलोन की रस्सी का फंदा भी था। मीडिया की खबरों की माने तो पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी से एक पन्ने का जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उन्होंने अपने शिष्यों आनंद गिरी, आध्या तिवारी और संदीप तिवारी पर मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही इस मामले में तथाकथित तौर पर महेंद्र नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के मुख्य आरोपी आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। वही खबरों की माने तो महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने बताया कि मठ की संपत्ति को बेचकर कई लोगों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाई हैं। इसमें नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मी अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा, शिवेक मिश्रा आदि शामिल हैं। इन लोगों की नजर मठ की संपत्ति पर थी। इन सबके बीच महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी ने ये भी बताया कि महंत नरेंद्र गिरी ने कई उद्योगपतियों से कर्ज ले रखा था। वहीं आईजी रेंज केपी सिंह ने मीडिया को बताया कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है वो एक प्रकार से वसीयत है। इसमें उन्होंने किसे क्या देना है और कितना देना है इन सब का जिक्र किया है। वहीं इस मामले में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रयागराज के बांग बरी मठ पहुंचकर महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से हम सभी व्यथित हैं। इस अपडेट में इतना ही। दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।